रीवा में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे आए हैं और उन्होंने राहगीरों और गरीबों के भोजन पानी की व्यवस्था की। कोरोना महामारी के इस संकट में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कैंप लगाकर राहगीरों की मदद की। बड़ा कोठार बाईपास रीवा में शिव महाशक्ति रिसोर्ट के परिसर में बजरंग दल द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही लगातार पैदल चल रहे मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था भी कराई गई। बताया जा रहा है कि यहाँ प्रतिदिन 2000 लोग भोजन करते हैं और राहगीरों को रास्ते में खाने के लिए जूस, बिस्किट, भुना चना और गुड़ भी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मजदूरों और राहगीरों के लिए जितना प्रशासन सजग नहीं दिखा, उससे ज़्यादा स्वयंसेवी संगठन और यूआर के लोगों ने मदद की। हमारा बजरंग दल का सेवा कार्य है ये। इसमें जो अपने प्रवासी मजदूर जो पैदल जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, वाहनों से जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों को भोजन पानी, कोई थका हुआ है, आराम करना चाहता है तो आप देख सकते हैं किनारे में छाँव है, इधर भी छाँव है, इस साइड भी छाँव है, तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था है। और औसतन यह देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर पे पैदल की संख्या में बहुत सारे लोग मिलते थे और अब पैदल तो ना के बराबर मिल रहे हैं, पर बसों में अभी भी दिन भर में कम से कम 100 से 150 बस यहाँ से गुजर रही है और 150 में से कम 40 बस यहाँ रुकती है। इसके आगे भी भोजन की व्यवस्था है, इसके पीछे भी है, तो इसलिए भीड़ को कम करने के लिए थोड़ा थोड़े स्टॉल, कम कम स्टॉल बनाए गए हैं, इससे भीड़ भी शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जब यहाँ मैं देख रहा था कि आ रहे हैं लोग पैदल जा रहे हैं और मन में ये इच्छा थी कि कुछ समाज सेवा की जाए, तो यहाँ पे हमारे कुछ मित्र जन आए, जैसे और भी लोग आए और उन्होंने इच्छा जाहिर की ऐसा करने का। हमारे मन में तो पहले से ही था कि मैं कुछ समाज सेवा की जाए, लोगों की मदद की जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।